हेलो गाइस। तो चाय पी लो। गाइस देखो, सबसे पहले तो मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, मतलब उतना अच्छे से मैं हिंदी नहीं बोल सकता, बट फिर भी एडजस्ट कर लेना। और आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वीडियो कैसे एडिट करता हूँ, किस ऐप से एडिट करता हूँ और थंबनेल कैसे एडिट करता हूँ। सब सारा लिंक मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन कर दूंगा मैं। और देखो सबसे पहले ये तो मतलब मैं रिकॉर्डिंग कैसे करता हूँ, तो रिकॉर्डर का नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर, नो एड्स, लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो इसको सेटिंग मतलब इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग्स पे आने का, उसके बाद सिंपल इसका जो रेजोल्यूशन है उसको मैं पोको आईफोन में तो मैं 1080p में करता हूँ, लैग होता है बट फिर भी क्वालिटी अच्छे करने के लिए 1080p में करता हूँ। और अगर तुम्हारा पोको आईफोन से भी थोड़ा कम डिवाइस है, मतलब कम पावर वाला अगर है, तो 720p में करने का, ठीक है। उसके बाद जो ब्राइटनेस या फिर मतलब ब्राइट है उसको 20 Mbps करने का, अभी मैं 60 रखा क्योंकि अभी मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, सिंपल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए। और जो फ्रेम रेट है इसको 60 FPS करने का, ठीक है। तो और नीचे आके जो इंटरनल ऑडियो है इसको इंटरनल साउंड पे करने का, क्योंकि अभी मैं माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो माइक किया तो हो गया। तो रिकॉर्डिंग का बाद अभी दूसरा जो है काइन मास्टर, तो इससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। तो कैसे वीडियो एडिटिंग करता हूँ वो तो मैं नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वीडियो है। तो भाई वीडियो एडिट करने के बाद उसको मैं एक्सपोर्ट किस पे करता हूँ देख लो। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ 4K में, ठीक है, और ब्राइट पूरा फुल कर लेता हूँ, उसके बाद 60 FPS और एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग बोलता है कि मेरा काइनमास्टर में 60 FPS नहीं आता है। तो देखो काइनमास्टर को खोलने का, इसके बाद ये जो सेटिंग है ये सेटिंग पे आने का, उसके बाद जो ये एडवांस एकदम नीचे वाला जो है इस पे आके ये कंटिन्यू करके अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम रेट्स हायर, ठीक है। तो ये 30 FPS इसको सिंपल इनेबल करने का, ठीक है, और कुछ नहीं करने का। उसके बाद तुम्हारा 60 FPS इनेबल हो जाएगा। तो हो गया ये रिकॉर्डिंग का बाद, मतलब एडिटिंग वीडियो एडिटिंग का बाद। उसके बाद देखो सिंपल जो ये 3D लूट करके जो एप्लीकेशन है, इससे मैं कलर जो कलर इफेक्ट जो होता है वो करता हूँ, ठीक है। तो यार 3D लूट ऐप पे ओपन होने के बाद ये ओपन गैलरी करके जो ऑप्शन है, इधर आके तुम्हारा जो वीडियो है उसको सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो यार देखो वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद ये जो लूट का ऑप्शन है इस पे आके टॉप 25 जो है इस पे आने के बाद, और इसके लिए ये इंटरनेट लेता है, ठीक है, इसलिए लोड हो रहा था। तो यार देखो इससे पहले मैं 2-3 बार जो कलर इफेक्ट लगाया था वो है एकदम सबसे सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसको, ठीक है। तो उसको मैं 50% रख लेता था, और अभी जो फिलहाल जो कल वाला लास्ट जो वीडियो में जो इफेक्ट दिया था वो है एकदम लास्ट के साइड में आना, उसके बाद ये जो F6880 करके जो है इसको मैं दिया था, ठीक है। तो अगर ये वाला देना है तो ये इसको बस 30-40% ऐसा कुछ देना। उसके बाद ऊपर जो राइट का ऑप्शन है इसको करके सेव टू गैलरी कर देना। उसके बाद पूरा एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक्सपोर्ट होने में जितना टाइम लगेगा टाइम दे देना। उसके बाद पूरा फोल्डर मतलब जो तुम्हारा जो वीडियो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये तो हो गया कलर इफेक्ट का बाद। तो अब यार हमें थंबनेल एडिट करना है, तो यार सबसे पहले तो पूलर एप्लीकेशन में आ जाना, ठीक है। उसके बाद ओपन फोटोज़ करके जो थंबनेल के लिए जो पिक्चर सिलेक्ट करके रखे थे, ठीक है, वो पिक्चर को सिलेक्ट करना है। तो मैं सिंपली इस पिक्चर को सेट कर लेता हूँ, इसको ऑलरेडी मैं एक बार सेट किया था। तो इस पर आने के बाद जो फ्रिंगिंग का जो ऑप्शन है बीच में, इसको सिंपली -42 42 45 ऐसा कुछ रख देना, ठीक है, फ़ोटो के हिसाब से जो बेस्ट बेस्ट रहेगा वो। उसके बाद सिंपली ऑल टूल्स पे आके फिर से ये इफ़ेक्ट्स पे आके इसको ये जूम ब्लर जो है इसको 81 की मतलब 6200 जो फोटो के हिसाब से बेस्ट रहेगा वो दे देना, ठीक है। उसके बाद सिंपली ऊपर जो प्लस के साइड जो शेयर करके एक आइकन है उसको टच करके सेव न्यू फोटो करके सेव कर देना। तो यह सेव हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, पिक्सेल लैब पे आके सिंपली टेक्स्ट टेक्स्ट को लिख लेना। टेक्स्ट को ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी टेक्स्ट ये ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं फिर से नहीं करने वाला। तो अब आता है भाई PSCC। तो यार PSCC ओपन होने के बाद एकदम न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना। न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो पोलर है पोलर में जो अभी फोटो सेट किए थे उसको सिलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद इधर इसको गायब कर देना, ठीक है, और इसको डुप्लीकेट लेयर कर लेना। तो ऊपर वाला लेयर को थोड़ा ओपेसिटी कम कर लेना, उसके बाद इसको क्रॉप कर लेना जितना चाहिए, ठीक है, फोटो के हिसाब से। तो मैं इतना कर लेता हूँ, तो ये बेस्ट रहेगा, जितना चाहिए उतना क्रॉप कर लेना। उसके बाद जो करना है सिंपली इसका ओपेसिटी फुल कर देना फिर से। उसके बाद फिर से न्यू फोटो सेलेक्ट करके भाई पिक्सल लैब से जो हमें टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट ले लेना, ठीक है।
उसके बाद इस टेक्स्ट को थोड़ा ऐसा कुछ मतलब इसको क्या इफेक्ट बोलते भाई मेरे को नहीं पता, सिंपली भाई -4 कर देना ठीक है। ये थोड़ा टेरा मेरा क्या बोलता है भाई पता नहीं ठीक है, उतना प्रोफेशनल वो नहीं हो ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसको भाई सिंपली जिधर अच्छा लगे उधर बैठा देना ठीक है। तो ये हो गया भाई टेक्स्ट, हो गया भाई सिंपल थंबनेल, देख लो भाई थंबनेल कैसा है ठीक है। तो यार इसको सेव करके, तो यार हो गया हमारा थंबनेल रेडी। तो उसके बाद इसको सिंपली सेव टू गैलरी करके सेव कर लेना, हो गया भाई थंबनेल रेडी। और कुछ काम नहीं है अभी, देखो सिंपली है जो स्क्रीन रिकॉर्डर का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, और 3D लूट सिंपली प्ले स्टोर में मिल जाएगा, काइनमास्टर भी मिल जाएगा, पिक्सेल भी मिल जाएगा, पोलर ये भी मिल जाएगा, बस PSCC ये भी मिल जाएगा प्ले स्टोर में, बट PSCC का न्यू वर्जन नहीं है, ये 2019 वर्जन है। तो ये यूट्यूब में सर्च करना, बहुत वीडियो मिल जाएगा, और उधर ही PSCC ओल्ड वाला वर्जन भी मिल जाएगा। तो मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं नहीं दे सकता, सॉरी। और जो स्क्रीन रिकॉर्डर का है ये बहुत लोग नहीं ढूंढ पाता, तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। और कुछ काम नहीं है बस, बाकी भाई मिलते हैं कल वाला वीडियो में। और आज का वीडियो कैसा लगा भाई कर देना कमेंट में, बोल देना कि सही है या सही नहीं है ठीक है। बाकी भाई मेरे से जितना लिंक हो पाएगा मैं दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिंक कर दूंगा। तो भाई मिलते हैं, टाटा बाय बाय, कल के वीडियो में टाटा।